नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज इन एन इमेजिनरी एटमोस्फेयर द एयर एग्जर्ट्स अ स्मॉल फोर्स एफ ऑन एनी पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स मोशन पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स टेक्स अ टाइम टी वन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट एंड टी टू इन द रिटर्निंग जर्नी टू द ओरिजिनल पॉइंट देन अब हमें टी वन टी टू को कंपेयर करना है तो पहला ऑप्शन है टी वन इज लेस देन टी टू दूसरा है टी टू इज ग्रेटर देन टी टू तीसरा है दोनों बराबर हैं चौथा ऑप्शन कहता है द रिलेशन बिटवीन टी वन टी टू डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल नई स्नैरियो को समझेंगे तो स्नैरियो कुछ इस प्रकार है कि ये आपका पार्टिकल है इसको आपने ऐसे लॉन्च किया है यहाँ से लेटेस्ट से एच हाइट तक इसने ऊपर ट्रैवल किया टाइम टेकन टी वन था इस डायरेक्शन में और उसका रिटर्न मोशन यहाँ बना लेते हैं वापस आया ऐसे करके एच हाइट इसने फिर ट्रैवल की लेकिन इस बार टाइम टी टू लगाए था राइट अब यहाँ पे स्नैरियो ये है कि ये इमेजनरी एटमॉस्फेयर है तो अगर आपके पार्टिकल की एच हाइट आप ट्रैवल कर रहे हैं अगर आपके पार्टिकल की ये डायरेक्शन है एच हाइट कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे ये अगर डायरेक्शन है तो इस केस में आ, अगर इसके फोर्सेस देखेंगे जो पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं नीचे तो आपका एक एम फोर्स लग रहा है इस इमेजनेरी एटमोसफेयर में अगर हम लैंग्वेज पर ध्यान देंगे इट सेज स्मॉल फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मोशन यानी कि इस केस में यहाँ पे आपका एफ फोर्स लगेगा और जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे आपका एम जी प्लस एफ फोर्स यहाँ पे लगाए uh, इस डायरेक्शन में ये लगेगा ना अगर यहाँ पे uh, अगर एक्सलेशन uh, लिखे हैं इस केस में ए वन एक्सेशन होगा आपका नेट फोर्स डिवाइडेड बाय आपका मास तो नेट फोर्स इसको हम लिख सकते हैं जी माइनस एफ बाई एम यह आपका एक्सेलेशन हो जाएगा ए टू हो जाएगा ये हो जाएगा जी प्लस एफ बाई एम राइट और ये दोनों ही रिटार्डिंग एक्सेलेशन है ठीक है सो इस केस में जो आपका टी वन आएगा अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें जिसमें हम लिखते हैं इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसको यूज़ करके हम कह सकते हैं टी विल बी इक्वल टू अंडर वू टू एच डिवाइडेड बाई ए आपका एक्सेलेशन आएगा इस तरह से आप टाइम बता सकते हैं तो अब इन टाइम को अगर कंपेयर करना होगा तो टी वन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एच डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा जी माइनस एफ बाई एम और दूसरे वाले केस में टी टू वो आ जाएगा अंडर रूट टू एच डिवाइडेड बाय जी प्लस एफ बाई एम नाउ इसको हम देख के हम कह सकते हैं कि आपका टी वन देट विल बी ग्रेटर देन टी टू वो वैल्यू आपकी ज़्यादा होएगी ना उस केस में जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर पर बात करते हैं कि जब आपका ये दोनों ये फोर्स आपका जीरो है कोई एक्सटर्नल फोर्स हम एयर एस जीरो मानते हैं उस केस में ये वाला का, दोनों टाइम आपके बराबर हो जाएंगे सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी टी वन ग्रेटर देन टी टू वुड बी द राइट आंसर